नमस्कार, इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिंसी शर्मा। कभी वह अपनी बेबाकी से सिनेमा के लोगों को ही निशाने पर ले लेती है, तो कभी राजनीति और देश के मुद्दों पर अपनी राय रखती है, कभी अपनी अदायगी से फिल्मी दुनिया में बेजान किरदारों में जान फूंकने के लिए चर्चा बटोरती है, तो कभी भाई से शादी करने पर सुर्खियों में रहती है। आज हम जिस एक्ट्रेस की बात करने वाले हैं, उनका नाम अक्सर सुर्खियों में रहता है। हम बात कर रहे हैं सेना को बेवकूफ कहने से लेकर द्रौपदी के चीरहरण तक अपने बयानों में बवाल मचाने वाली स्वरा भास्कर। उनकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी सुर्खियों में रहती है, उससे ज्यादा दिलचस्प एक्ट्रेस की निजी जिंदगी है। जन्मदिन के मौके पर हम स्वरा की कंट्रोवर्शियल लव लाइफ से आपको रूबरू कराने वाले हैं। 9 अप्रैल को एक सैन्य अधिकारी के घर जन्मी स्वरा भास्कर का दूर दूर तक फिल्मों से कोई नाता नहीं था, फिर भी स्वरा ने सारी मुश्किलों को पार करके अपना करियर बॉलीवुड में बनाने की ठानी। अपनी इस राह में आई दिक्कतों के बाद भी अपने फैसले पर अडिंग रहने वाली स्वरा ने सिनेमाई पर्दे पर साल 2010 में आई फिल्म गुजारिश से छोटा सा रोल कर कदम रखा था। इस फिल्म में आने के बाद स्वरा ने स्क्रीन पर ऐसे ऐसे किरदार निभाए जिन्हें निभाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। हालांकि स्वरा ने टैलेंट के दम पर दर्शकों को अपने एक्टिंग का मुहूर्त बना दिया था। गुजारिश के बाद स्वरा ने चिल्लर पार्टी, तनु वेड्स मनु रांझना, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, प्रेम रतन धन पायो, नील बटे सन्नाटा, अनारकली ऑफ आरा, वीर दे वेडिंग जैसी फिल्मों में काम कर बड़े पर्दे पर धमाल मचाया। अपने धमाकेदार किरदारों से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली स्वरा की जिंदगी पर्दे पर जितनी रंगीन और दिलचस्प नजर आती है, उतनी ही रोमांचक उनकी लव लाइफ भी है। स्वरा भास्कर के दिल में उनके ड्रीम बॉय ने फिल्म रांझना की शूटिंग के दौरान एंट्री मारी थी। पहली बार किसी के लिए अगर स्वरा का दिल धड़का था, तो वह नेशनल अवार्ड विनर राइटर हिमांशु शर्मा थे। रांझना के सेट से शुरू हुई मुलाकातों का यह सिलसिला कुछ इस तरह बढ़ा कि तनु वेड्स मनु रिटर्न्स तक आते आते दोनों बेहद करीब आ गए। स्वरा और हिमांशु एक दूसरे के प्यार में कुछ इस तरह गुम थे कि उन्हें अपने अलावा कुछ नजर नहीं आता था। दोनों ने तारों के शहर में गाना गाते गाते एक दूसरे के साथ लिव इन में रहना शुरू कर दिया था। अक्सर घूमते घूमते नजर आने वाले स्वरा और हिमांशु का रिश्ता बढ़िया ढंग से आगे बढ़ने लगा, लेकिन 5 साल बाद खटपट हुई और सब खत्म हो गया। अपने बयानों से तहलका मचाने वाले स्वरा भास्कर की जिंदगी में साल 2018 में हिमांशु संग अपना रिश्ता खत्म करने के बाद एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत हुई जिसके बारे में एक्ट्रेस ने भी नहीं सोचा था। दरअसल सामाजिक मुद्दों पर हमेशा स्टैंड लेने वाली स्वरा भास्कर की मुलाकात जेएनयू की एक रैली के दौरान समाजवादी पार्टी के युवा संघ के महाराष्ट्र अध्यक्ष फहाद अहमद से हुई। इस मुलाकात के बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए और अक्सर एक दूसरे को सपोर्ट करते देखे जाने लगे। धीरे धीरे यह दोस्ती गहरी होती गई और फिर एक पल ऐसा आया जब सोशल मीडिया पर स्वरा ने फहाद को भाई कहकर पुकारा। दोनों का रिश्ता यहाँ तक किसी की नजरों को उस तरह नहीं चुभा जिस तरह शादी के खुलासे के बाद हुआ। स्वरा और फहाद ने 16 जनवरी को कोर्ट मैरिज करने का खुलासा करके पूरे देश में बवाल मचा दिया। दोनों के रिश्ते पर कई सवाल उठाए गए, लेकिन अब स्वरा और फहाद एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार कर चुके हैं और यही सच्चाई है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।